सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मशीन मास्टर। और जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे सामने खड़ी है RS 200, जो कि BS3 मशीन है। और BS3 यानी एक पावर मॉन्स्टर कह सकते हैं हम इस चीज़ को। और मैंने इसे बनाया मेरे अपने हाथों से, टेस्टफुली मॉडिफाइड भी आप कह सकते हैं, कोई ऐसे छपरी स्टिकरिंग वगैरह नहीं है। पीछे डला है इस बाइक में अपोलो अल्फ़ा 140 सेक्शन का, और सामने वही अल्फा ही है बट रेगुलर सेक्शन का जो टायर है वो सामने डला है। BS3 होने की वजह से इतनी पावरफुल है, और बहुत कुछ खास बातें हैं इस बाइक में। तो अभी चलिए, ओके, तो फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट हो गई है और ये BS3 की दहाड़। तो चलिए अभी थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। ओके, फर्स्ट गियर है, 1 2 3 गो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके, क्लच लेस शिफ्टिंग हो रही है, परफेक्ट। ओके, देखते हैं अभी कितना टॉप निकाल पाती है। ये रोड थोड़ा ज़रा एंगेज रहता है, गाड़ियाँ ज़्यादा रहती हैं इस वक्त, फिर भी ट्राई करेंगे थोड़ा भी एरोडायनामिक्स। 130 चली गई है, 134 अभी। ओके, हवा बहुत तेज चल रही है, 137। काफ़ी भाग सकती थी बट हवा इतनी तेज चल रही है कि भाग नहीं पा रही भाई। और इसमें और एक खास बात है, ये ब्रेम्बो के ब्रेक लीवर्स वगैरह तो हमने इंस्टॉल करा ही दिए, लीवर गार्ड्स वगैरह, और ब्लैक थीम, डार्क थीम है बाइक की, BS3 है ये। उसमें और एक खास बात है, और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, बाइक में है MotoGP स्विफ्टिंग, यानी कि रिवर्स स्विफ्टर हम जिसे कहते हैं, गियर रिवर्स पड़ते हैं बाइक के। तो चलिए अभी दिखाते हैं। ओके, तो ये गियर कम कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, तो फर्स्ट गियर पर आ चुके, सेकेंड, तो इसका काम रिवर्स कर रहा है अभी ये, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है जब आप रेसिंग कर रहे हो। ओके ओके, रिवर्स जैसे गियर सिस्टम है, हम कह सकते हैं फर्स्ट देन न्यूट्रल देन सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, इस हिसाब से काम कर रही है मशीन। और गंदा परफॉर्म कर रही है, गंदा, बहुत गंदा परफॉर्मेंस दे रही है बाइक, यानी एक गंदा यानी बहुत अच्छा वाला परफॉर्मेंस दे रही है। अल्टीमेट लेवल की हैंडलिंग है इस मशीन की। वैसे देखा जाए तो 2016 एंडिंग का मॉडल है हमारा, भाग ऐसे रही है ना, और हर एक गियर पे झटके दे रही है, तो एक अल्टीमेट बीस्ट लग रही है। आगे देखा जाए तो हेडलैम्प्स नाइट आई के हैं, जो कि बहुत अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और स्पीडिंग तो आप देख ही सकते हो, 130 तो कुछ भी नहीं है, फील ही नहीं हो रहा कि इंजन स्ट्रगल कर रहा है। बस आज हवा बहुत तेज चल रही है, और उसके साथ मैंने पीछे टूरिंग बैग पहनी हुई है, तो विंड ब्लास्ट की वजह से उतना स्पीड पकड़ नहीं पा रही मशीन, बट बहुत अल्टीमेट चल रही है। और वैसे देखा जाए तो एक 80 के आसपास तो ये क्रूजिंग कर दे रही है, देख पा रहे हो क्या आप, कोई स्ट्रगल नहीं है। ये इसका एक इकोनॉमी मोड कह सकते हैं हम, इस पर ये क्रूज कर रही है। और ये सब जो इंटरफेस है बाइक का, सामने वाली मॉडिफाइड विंडशील्ड वगैरह बहुत कुछ डला हुआ है, मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है इसे, तो एक अलग ही मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। अभी इंजन इतना ज़्यादा स्मूथ है कि क्या ही कहे, बहुत स्मूथ इंजन है बाइक का, और अल्टीमेट पिकअप प्रोवाइड कर रही है, और थक नहीं रहा हूँ मैं। RC वगैरह चलाते वक्त जो रिस्ट में पेन होता था वो नहीं हो रहा है। बहुत ख़तरनाक मशीन है, कोई सी भी इस सेगमेंट में जो मशीन होगी उससे ज़्यादा पिकअप है इसको। एक्सेलरेशन में वैसे ड्यूक 200 अभी ज़्यादा है, बट वैसे देखा जाए तो एक एक्सेलरेशन प्लस जो टॉप एंड होता है उसका एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है RS 200। और उसमें भी अगर BS3 चीज़ आपके पास हो तो कभी मत बेचो भाई उसे। जस्ट हाँ, मेंटेन करना थोड़ा टफ पड़ जाता है, बट आप उसे प्यार से रखोगे तो नहीं करना पड़ेगा वो भी चीज़। और इसका रेव इतना अच्छा है ना, दहाड़ रहा है इंजन भाई, RS का इंजन दहाड़ रहा है। स्टॉक एग्जॉस्ट है, ABS नहीं है बाइक में, मेन चीज़ तो ये कि ABS नहीं है, विदाउट ABS मशीन है। और क्या ही शिफ्टिंग हो रही है, एक
ही पा रहे हो गए आप। मैं जो प्रॉपर गियर फिटिंग है RS 200 से ही सिखाऊँ, पहले मेरे दोस्त के पास थी एक लाल कलर की लाल परी, बट उसमें ABS आता था, इसमें ABS नहीं है। क्या ही चल रही है भाई, क्या ही लहर मार रही है, वर्ल्ड लेवल परफॉर्म कर रही है भाई, सामने कुछ नहीं है। ओके, और पूरा अपोलो अल्फा की वजह से रोड को चिपक के चल रही है ना, वो तो गजब मजा दे रहा है, एक अलग राइडिंग कॉन्फिडेंस दे रही है बाइक। और वॉबल तो नहीं हो रही, बिल्कुल वॉबल नहीं हो रही, और विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है आज, आप देख ही पा रहे होंगे, हवा फील हो रही है सब जगह, इसलिए ज़रा अभी प्रॉब्लम आ रही है बाइक को टॉप एंड निकालने में। और रोड भी उतना नहीं है लंबा कि हम स्ट्रेच करके उसका टॉप एंड निकालें। तो सभी एंगल से देखा जाए, अगर आपको सिलेक्ट करनी है R15 या फिर RS, तो देखा जाए तो R15 का एक लुक कहीं ना कहीं RS से थोड़ा बहुत अच्छा है, हम कह सकते हैं थोड़ा बहुत अच्छा है, अच्छे फीचर्स आते हैं, बट एक रॉ पावर है और इंजन की जो धाड़ आप सुनना चाहते हो ना, वो आप RS के साथ ही सुन सकते हो। पूरा हिला दे रही है बाइक। ओके, तो 100 भी क्रॉस कर दिया अभी। ओके, तो सामने टर्न है तो कंट्रोलिंग देखते हैं अभी। ये देखो एक टैप में ही रुक जा रही है, क्योंकि हाँ ये मैं मानता हूँ कि ब्रेक वगैरह मैंने मॉडिफाई कराए हुए हैं और कॉर्नरिंग भी अच्छा कर ली थी। और ये जो GP शिफ्टिंग सिस्टम है यानी रिवर्स गियर सिस्टम जो होती है वो इस वक्त काम आती है, जैसे कि आप कॉर्नरिंग कर रहे हो उस वक्त आपको अगर गियर बढ़ाने हैं तो आपका पैर नीचे नहीं घिसता है। ओके, तो लीवर के ऊपर ही पैर रहता है। वाओ, एक ख़तरनाक शिफ्टिंग करते हुए ये मशीन आगे बढ़ रही है अभी। ये रोड पर कुछ तो गिरा है जिससे कि स्किट होने के चांसेस है, बट कोई बात नहीं। यही चीज चाहिए। तो चलिए गजब की कॉर्नरिंग, और एक गियर कम करके हम निकल पड़े। और ये दहाड़ मुझे RS की बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ना कोई एग्जॉस्ट है ना कुछ है, बट रोर करता है उसका इंजन, एक अलग ही टाइप का रोरिंग है, जैसे कि एक चीता या शेर दहाड़ रहा हो। और ये दिख भी ब्लैक पैंथर जैसे रही है अभी। और ये देखो नी डाउन मैंने पूरी की हुई है, बहुत मस्त कॉर्नरिंग कर रही है, वो टायर्स और सब एक अच्छा कॉम्बो बना हुआ है, और एक परफेक्ट पैकेज कह सकते हैं हम RS 200 को। अगर आपको जो फर्स्ट बाइक लेनी है तो RS 200 आप बेशक लो, कोई बात नहीं है। और एक कंट्रोलिंग वगैरह सब चीज़ों में ये बाइक बेस्ट है, ऐसा हैंडलिंग में बेस्ट है, और ऐसे कर दोगे तो ये खड़ी हो जाती है बाद में। बस एक बात आती है कि कंपनी से जो टायर सेक्शन आ रहा है वो 130 आ रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया तो 130 आ रहा है, शायद कंपनी माइलेज वगैरह की वजह से वो प्रोवाइड करा रही होगी, बट मैंने 140 जब से डलाया है ना तो एक अलग एक्सपीरियंस आ रहा है बाइक में। और ज़्यादा से ज़्यादा जब टायर डला रहे हो तो अपोलो अल्फा वगैरह ही प्रेफर करो अगर स्पोर्ट बाइक चला रहे हो तो, क्या है ना कि कॉर्नरिंग वगैरह में वो बहुत हेल्पफुल रहता है, और रिडाइल टायर अच्छा रहता है, नायलॉन ग्रिप से रिडाल टायर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि एक अच्छी ग्रिप बना लेता है वो रोड पर, और जैसे हीट हो रहा होता है उसका रबर तो परफॉर्मेंस अच्छा आ जाता है। तो यही बात है कि रिडाल और नायलॉन में फ़र्क है ज़रा। चलिए वाओ, स्विफ्टिंग में RS से ही सीखा हूँ भाई, प्रॉपर गियरिंग जो होती है, एक परफेक्ट RPM को परफेक्ट स्विफ्ट जो चाहिए वो मैं RS से सीखा हूँ, क्योंकि उस वक्त कोई ऐसे ख़तरनाक मशीन हमारे पास थी नहीं, और RS एक ही चीज़ थी जिसमें ये जो लिमिटर की लाइट वगैरह हीट हो जाया करती थी, और परफेक्ट टाइम को परफेक्ट स्विफ्ट। ओहो, बाउंस हो रही है, और ये एक अल्टीमेट लुक दे रहा है जो हमने ब्रेम्बो के ब्रेक लीवर वगैरह डाला है, तो ये ओरिजिनल है, ये ऐसे मजाक में नहीं इंस्टॉल किया हुआ। वाओ, मजा आ रहा है। वाओ, और क्लचलेस शिफ्टिंग भी हो रही है, जस्ट एक आपको हाथ में क्विक शिफ्ट पर इंस्टॉल कराना पड़ेगा, वैसी कोई सिस्टम आती नहीं, टोटल रॉ मशीन है, जस्ट एक RPM मीटर आता है वो डिजिटल मीटर, और बाकी ये यही है इंजन चेन और दो व्हील, बाकी ऐसा कुछ सेफ्टी फीचर नहीं है बाइक में, टोटल रॉ मशीन है, BS3 है। तो ओ
हो क्या दहाड़ रही है। क्या ही दहाड़ रही है, क्या ही। तो थोड़ा धीरे ही लेते क्योंकि अभी मंदिर है सामने, इधर नहीं मस्ती करनी। और अभी वॉक अराउंड दे देते बाइक का आपको। तो अभी हम आए सुबह एक अच्छे से टाइम पर मंदिर में। ये क्या कह रहे हो, जाने दो। तो कुछ इस तरह दिख रही है बाइक हमारी, पूरी ब्लैक है, डार्क है, पूरी डार्क है, कहीं कुछ नहीं है भाई, कहीं किसी चीज़ का नामो निशान नहीं है कि जो अलग कलर दिख जाए। हाँ थोड़ी सिल्वर फिनिशिंग है, तो सामने से कुछ ऐसा लुक आ रहा है। और वो यार ब्रेक लीवर वगैरह तो इतने प्यारे लग रहे हैं ना, क्या ही बताए। तो कुछ ऐसा लुक आ रहा है, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मॉडिफाई वगैरह मैं करने वाला नहीं हूँ क्योंकि मुझे लोकल को यूज़ करनी है बाइक, लोकल यानी सिटी के सिटी में। तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई वगैरह कर देते हो तो बाकी पुलिस का चक्कर आ जाता है। तो एक बिंदास्त हम घूम सके, ऐसी मशीन है, और पीछे वही अभी नंबर प्लेट का कोई सीन नहीं है। तो यही ऐसी कुछ दिख रही है हमारी चीज़। तो इग्निशन ऑन करते ही हाई, ये तो इश्क है भाई। ये जो RPM मीटर था ना, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आता था, बट आजकल की नई बाइक्स में ये आता नहीं है तो मज़े नहीं आते उतने। तो यही था जो कुछ था आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय गाइज़।